प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। बिना समय गवाए फटाफट आज के मुख्य बिंदु पर लौटते हैं। आज हम बात करने वाले हैं शुभ मुहूर्तों की श्रृंखला में व्यापार मुहूर्त को लेकर। मुहूर्त कैसे बनते हैं डेट वाइज भी आपको बताता हूँ, और कैसे बनते हैं, किस नक्षत्र, किस बार, किस तिथियों पर यह मुहूर्त बनता है, इसकी भी मैं चर्चा करता हूँ। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं जो तारीख के हिसाब से आपको मुहूर्त बताते हैं, लेकिन उनकी प्रामाणिकता क्या है? चाहे वो वीडियो हम बना रहे हैं, दूसरे कोई भी बना रहे हो, आपको तारीख बता दिए, हो सकता है ये तारीख शुद्ध ना हो। इसलिए मुहूर्त में दो चीजें प्रधान हो जाती हैं। सबसे पहले तो कोई भी मुहूर्त हो, आपको एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, आप अपनी राशि पर चंद्रमा की अनुकूलता और लग्न शोधन दो कार्य अहम हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसकी जानकारी आपको रखनी चाहिए। मैं इसके लिए वीडियो बना चुका हूँ, आप उसमें जाकर देख सकते हैं कैसे अपनी राशि के अनुसार चंद्रमा को देखा जाता है और कैसे हम लोग लग्न का शोधन करते हैं। लग्न शुद्धि का मतलब होता है कि सर्वे दोषा विनिश्चन्ति, लग्न शुद्धि यदा भवे, कोई भी मुहूर्त हो ए टू जेड। अब इस हिसाब से दो चीजें तो प्रधान है, लेकिन कौन सा मुहूर्त किस बार, किस योग, किस नक्षत्र के अंदर बनता है, वह जानना बहुत जरूरी है। खैर, फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग डेट वाइज यहाँ पर चर्चा करेंगे, कौन कौन सी तारीख। नियम मैंने आपको बता रखे हैं, विधि आपको बता दी है, फिर भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है आप उनके माध्यम से देख सकते हैं। कोई प्रश्न होता है जो आपको बात समझ में नहीं आती तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते, सॉरी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप नीचे अपॉइंटमेंट नंबर पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई भी स्टार्टअप, कोई भी बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं और उसके लिए कोई दुकान खोल रहे हैं छोटी, या कोई भी व्यापार आपको करना है, और खासकर मैं यहाँ पर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तीन महीने की चर्चा आपके साथ करूंगा। यदि अगस्त के महीने में हम लोग इस कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे तो अगस्त श्रावण शुक्ल बुधवार, 11 अगस्त उत्तरा फाल्गुनी और अभिजीत नक्षत्र में हम लोग यह कार्य कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें 12 अगस्त, बड़ा सुंदर दिन है, श्रावण शुक्ल और गुरुवार का दिन रहेगा। अगली जो तारीख रहेगी यहां पर हाँ, तो अगर हम अगस्त की बात करें तो अगस्त, 11 अगस्त उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, बहुत सुंदर योग है, बुधवार का दिन रहेगा। 12 अगस्त को भी यहां पर अच्छा दिन है, आप इस दिन भी शुरू कर सकते हैं। 13 अगस्त, फिर 14 अगस्त, फिर 18 अगस्त और फिर 20 अगस्त, अगस्त के महीने में ये तारीख हैं, आप अपनी राशि के अनुसार शुभ मुहूर्त इसमें चयन कर सकते हैं, कौन सी डेट आपके लिए अनुकूल रहने वाली। अगले महीने में हम लोग बात करें यानी सितंबर में, तो सितंबर में 1 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, यानी ये तारीख इसमें हैं जिनमें आप शुरू कर सकते हैं। अगली तारीख यहाँ पर अक्टूबर के महीने में हम बात करें तो 8 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, फिर 15 अक्टूबर, फिर 18 अक्टूबर, फिर 24 अक्टूबर, यानी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर माह में डेट वाइज ये तारीख पड़ने वाली हैं। आप अपनी राशि के अनुसार अनुकूलता को देखकर और लग्न शोधन के साथ इन डेटों पर आप अपने कार्यक्रम स्टार्ट कर सकते हैं। दर्शकों, आप बने रहें, हमें फिलहाल दीजिए इजाज़त। आप सभी का धन्यवाद।